तो इधर छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परासिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 29 दिनों के लिए अपने घर न जाकर लोगों के घर जाएं और उन्हें मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दें। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उनके नेताओं और संगठन से विश्वास उठ गया, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने भी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा। उनके नेतृत्व में देश ने विकास के पथ पर तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं। हम जानते हैं यहाँ माता बहनें बहुत संख्या में यहाँ बैठी हुई है। जब किसी गांव में एक बहन चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाने का काम करती थी, उसको असुविधा भी होती थी, उसका स्वास्थ्य भी खराब होता था, उसके आंखों से निकलते हुए आंसू को पोंछने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के नायक माननीय मोदी जी ने किया है और उनको उज्ज्वला केंद्र देकर उनको सुविधा और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा की। कैलाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित तौर पर कैलाश जी भाई साहब का ऐसा नाम है, देखिए, जिन्होंने बंगाल की पूरी स्थिति बदल दी और वहां पर एक एक बूथ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया विपरीत परिस्थिति में, और आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मजबूत हुई है। और भाई साहब के नाम से ही जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत हुआ है, 163 सीट आई है, उसमें भाई साहब का नाम रहा, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमतों से हमको जीत मिली है। मैं दावे से कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतेगी और लगभग 5 लाख से ज्यादा वोट आएंगे। कोई कांग्रेस की रणनीति तो नहीं है कि अधिकांश से उसके कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में हो रहा है और उनको लगता है कि हमारे नेता में भी दम नहीं है, हमारी नीति भी कुछ भी नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। तो जिस पार्टी के नेता नीयत नीति ठीक नहीं हो वहां के कार्यकर्ता विचलित हो रहे हैं, और निश्चित रूप से सारे देश में कांग्रेस छोड़ छोड़कर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता शामिल हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें आप, चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, सब दूर मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर 5-10 हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे खिलाफ जो लड़ा था वो खुद ही आ गया। जिसको लोग लोकसभा का टिकट देना चाहते कांग्रेस, वो हाथ जोड़ता और बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस से लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा होने को कोई तैयार नहीं, इतनी दुर्गति कांग्रेस।